रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेस्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक क्लैंपर सर्किट, इसका ट्रिक जानने वाले हैं। बेसिकली क्लैंपर सर्किट और क्लिपर सर्किट दोनों ही पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। पहले हम जानते हैं कि क्लैंपर सर्किट क्या होता है। बेसिकली क्लैंपर मींस एक नेटवर्क जिसमें एक डायोड, एक रेजिस्टर जिसके अक्रॉस आप जो है लोड लेंगे, देन एक कैपेसिटर, ये यहां पर लगे हुए होते हैं और इनका काम क्या होता है, वेव फॉर्म को शिफ्ट कर देना टू ए डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। यानी जो आपने इनपुट सिग्नल दिया है वही आपको आउटपुट में मिलेगा अपीयरेंस तो, लेकिन जो वेव फॉर्म है उसमें शिफ्ट देखने को मिलता है। ये बेसिकली काम है क्लैंपर सर्किट का। क्लैंपर सर्किट यूज व्हेन द डीसी वैल्यू ऑफ द सिग्नल इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। यानी अगर आपको डीसी वैल्यू जो है सिग्नल की उसे शिफ्ट करना है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, तो हमारे पास क्लैंपर सर्किट जो है वो हम यूज करते हैं। क्लैंपर सर्किट के बेसिकली दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर क्या करता है कि वेव फॉर्म को शिफ्ट कर देता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव क्लैंपर जो हम इनपुट में दे रहे हैं उसे शिफ्ट कर देगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट गिव्स मी द आउटपुट। ओके, तो ये था हमारे पास क्लैंपर सर्किट के बारे में ओवरव्यू। अब हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से क्लैंपर सर्किट की जो ट्रिक है वो काम करती है टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ ए गिवन इनपुट वेव। ओके, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन सेल चल रहा है टेस्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से, जिसमें आपको 27 से लेकर के 31 ऑफ अगस्त, इसमें अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं सीएसआर नेट का तो आपको 60% ऑफ तो मिले ही मिलेगा, साथ में 40% एडिशनल बेनिफिट भी आपको यहां देखने को मिल रहा है। यानी टोटली 90% ऑफ आपको यहां मिलेगा। तो अगर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं तो इसके लिए विशाल के ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, विशाल के कूपन कोड यूज कर सकते हैं, इससे आपको पास प्रो भी फ्री मिलने वाला है। जहां कोर्स 23,999 रुपए का है वहां पर आपको यही कोर्स 90% ऑफ के साथ 6,299 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट 31 ऑफ अगस्त है, तो इन दो दिनों में आप जो है इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क्लैंपर सर्किट जो है वो हमारे पास में काम करता है। सो लेट मी टेक ए सर्किट, क्लैंपर सर्किट। एक कैपेसिटर लीजिए, एक डायोड हम लोग यहां कंसिडर करते हैं, सपोज दिस इज ए डायोड, ठीक है, और यहां पर हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस जो है वो लगा देते हैं जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, सपोज दिस इज आर एल, यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। दिस इज डायोड डी एंड दिस इज कैपेसिटर सी, और यहां पर हमारे पास इनपुट है विच इज बी आई। अब देखो इनपुट का जो शेप है वो आपको खुद से अज्यूम करना है, जो भी आप इनपुट में दे रहे हैं साइनोसाइडल वेव है कि हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म है, किस टाइप की वेव है, ट्रेंगुलर वेव फॉर्म है, सो ये सब कुछ चीजें आपने पहले अज्यूम कर लेना है व्हेन यू गिव इनटू द इनपुट। ओके, सो अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर वेव फॉर्म है और इस स्क्वायर वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है That is suppose हमारे पास प्लस का Vm, ओके, दिस इज प्लस Vm एंड दिस इज माइनस Vm, या Vp भी आप assume कर सकते हैं, ठीक है ना। Vp denotes the peak value of the given input voltage, ओके, सो Vp क्या है हमारे पास, peak value of the given input voltage। अब ये अगर आप input में देंगे so output में आपको क्या मिलने वाला है, अब ये चीज हमने trick से जानना है। ठीक है, तो देखिए trick के लिए हम क्या करेंगे कि जो diode हमारे पास लगा हुआ है ना, तो इसमें सर्किट में जो लोअर नोड है, लोअर नोड मींस यहां पर ये वाला नोड, हम इसकी बात कर रहे हैं,
ठीक है, इस नोड को आप कुछ नाम दे दीजिए, लेट अस कॉल इट एज ए, ओके। ठीक है, इस नोड का आपने नाम दिया। अब आप ये देख लीजिए कि इस नोड पर हमारे पास ये जो डायोड है इसका कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है, तो हम देख सकते हैं पी टर्मिनल यहां पर कनेक्ट है। पी टर्मिनल कनेक्ट होने की वजह से आपका जो वेव फॉर्म है वो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लैंपर सर्किट के आउटपुट में आपने दो चीजों का ध्यान रखना है कि जैसी इनपुट आप लोग दे रहे थे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि जो पीक टू पीक वैल्यू है वोल्टेज की वो हमें सिमिलर नजर आने वाली है, बस वेव फॉर्म शिफ्ट हो जाएगी। जैसे यहां पर वेव फॉर्म अपवर्ड शिफ्ट हो रही है बिकॉज यहां पर पॉजिटिव कनेक्ट है ऑफ दिस डायोड टू द टर्मिनल ए। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ए है ना, तो इस पॉइंट ए पर हमें डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल हमें शो हो रहा है। सो दैट्स व्हाई फाइनली जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट आउटपुट विल बी लुक लाइक दिस। ओके, दिस इज द फाइनल आउटपुट। अब देखो ये हमारे पास जीरो है, ओके, और ये हमारे पास कितना होना चाहिए, कंप्लीट पीक टू पीक वैल्यू जो है आउटपुट वोल्टेज की वो 2VP के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं ये कंप्लीट कितना है 2VP के इक्वल। सिंस ये हमारे पास 2VP है तो यहां पर भी आपको आउटपुट में 2VP ही नजर आएगा, पीक टू पीक वैल्यू आपने यहां पर कंसिडर करना है। ओके, सो अभी देखो यहां पर 2VP क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना है जीरो है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनके बीच का 2VP। ठीक है, तो ये आपको यहां पर नजर आएगा इन द आउटपुट। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसी चीज को। ठीक है, इस बार बैटरी भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में इसी प्रकार का एक सर्किट गिवन है, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज डायोड, और हमारे पास यहां पर एक बैटरी भी लगा। ठीक है, दिस इज द बैटरी। देखिए इनपुट हम लोग जो है ना सेम रखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, फॉर सिंपलिसिटी हम ये ज़ूम करके चलते हैं कि जो इनपुट वेवफॉर्म है ना वो सभी एग्जांपल्स में सेम टू सेम है, दैट वाज ए स्क्वायर वेवफॉर्म। ओके, नाउ कैपेसिटर इज सी, डायोड इज डी, और ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज आप कुछ अज्यूम कर लीजिए, लेट अस कॉल इट एज वीबी। ओके, बैटरी वोल्टेज इट मींस वीबी। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीपी, वीपी डिनोट्स द पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ओके, अच्छा अभी देखिए इसमें आउटपुट में क्या नजर आएगा, सो इसको हम कैसे चेक करेंगे, जब बैटरी हमारे पास में लगेगा उस टाइम पर आपने ये चेक करना है कि डायोड जो है इसके साथ में बैटरी का कौन सा वाला जो टर्मिनल है वो कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के साथ में कनेक्ट है। नेगेटिव टर्मिनल होने के कारण क्या होगा, आपका जो वेवफॉर्म है आउटपुट में वो शिफ्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और कितना जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डिपेंड करेगा कि इस बैटरी का कितना वोल्टेज है। जैसे यहां पर बैटरी का वोल्टेज कितना है, वीबी है, सो वीबी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, सो द फाइनल आउटपुट लुक्स लाइक दिस, कि हमारे पास वीबी से स्टार्ट होगा, एक्चुअल में नेगेटिव में शिफ्ट हो रहा है, सो माइनस का वीबी हो गया, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहां पर आउटपुट मिलने वाला है। अच्छा, कंप्लीट अगर हमारे पास ये 2VP के इक्वल है, बिकॉज मैंने कहा कि पीक टू पीक वोल्टेज सेम होता है इनपुट और आउटपुट में, दैट्स व्हाई यहां पर आपको 2VP ही नजर आएगा। अगर ये वाला पॉइंट माइनस वीबी शो कर रहा है, सो ये पॉइंट कितना होना चाहिए, दिस शुड बी माइनस वीबी एंड माइनस का 2VP होना चाहिए। ठीक है, तभी तो डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 2VP के इक्वल आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट वोल्टेज वर्सेस द टाइम। ठीक है ना, वर्सेस द टाइम। ठीक है, अच्छा एक और हम एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे क्लैंपर सर्किट जो है उसमें हमें आउटपुट देखना है। तो सपोज दिस इज द कैपेसिटर, यहां हमारे पास में डायोड लगा हुआ है, दिस इज द बैटरी, और सेम वोल्टेज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बैटरी का वीबी के इक्वल, डायोड डी है, कैपेसिटर सी है, वही इनपुट वेवफॉर्म आप लोग यहां पर भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं टू दिस क्लैंपर सर्किट। ओके, तो आउटपुट अब कैसा नजर आएगा, तो आप साफ देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायोड कनेक्ट है, और डायोड का जो हमारे पास डायोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इट मींस जो वेवफॉर्म है आउटपुट में वो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना शिफ्ट होगा तो वो डिपेंड करेगा बैटरी का कितना वोल्टेज है, सो दैट मीन्स वीबी हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो इस बार आपको जो नजर आएगा आउटपुट वेवफॉर्म दैट लुक्स लाइक दिस, कि हमारे पास यहां पर प्लस वीबी से स्टार्ट होगा ग्राफ, किस प्रकार से जाए।
है, सो इट लुक लाइक दिस। और ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए, वी बी प्लस में टू वी बी, सो दैट कि हमारे पास जो डिफरेंस है ना वो टू वी पी के इक्वल ही रहे, ठीक है, इसलिए। ओके, सो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इसे क्लैम्पर सर्किट काम करता है। एंड एट लास्ट आई गिव यू होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। सपोज इनपुट जो है ना वेवफॉर्म हम आपको साइनोसाइडल दे रहे हैं इस केस में, एंड सपोज कीजिए इसका जो पीक वोल्टेज है दैट वाज 10 वोल्ट, ओके, सो हियर इट इज आल्सो -10 वोल्ट एंड द क्लिपर सर्किट लुक्स लाइक दिस। इस सर्किट में से इसको पास करवाया जाता है, सो ये हम क्लिपर सर्किट बना दे रहे हैं। दिस इज कैपेसिटर सी, दिस इज डायोड डी, ओके। सो देखो ये इनपुट फेड आप करवा रहे हैं इसके अंदर, और आपने यहां पर बताना है कि आउटपुट वेवफॉर्म किस टाइप का शो होगा। सो इजीली आप टाइप कर सकें, इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस यहां पर दे देता हूं, ठीक है। सो पहला वेवफॉर्म मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, ठीक है, दिस इज +10 वोल्ट एंड दिस इज -10 वोल्ट, ओके। बी ऑप्शन मान लेते हैं कुछ इस टाइप से है, ठीक है, एंड दिस इज 20 वोल्ट। सी ऑप्शन कुछ इस टाइप से हम लोग मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पास में -20 वोल्ट, एंड लास्ट वन इज डी ऑप्शन, ये कुछ इस फॉर्मेट का, ओके, सपोज कीजिए हमारे पास में 10 वोल्ट। सो ये 4 ऑप्शंस जो है ना वो आपको गिवन है, और आपने बताना है कि कौन सा आंसर जो है, कौन सा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, आउटपुट के अंदर हमें कौन सा वाला पार्ट जो है वो शो होगा, ओके। सो होप आपको अच्छे तरीके से क्लैम्पर सर्किट आ गया होगा। एक लेक्चर में हम क्लिपर सर्किट को भी डील करेंगे। आप अगर क्लास से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विशाल। ऑल्सो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते हैं। अगर आप दिसंबर 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।